Assalamualaikum मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे सी व्यूवर्स, दिल की खिलाइयों से वेलकम टू माय चैनल ड्रामा से अफर की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ही कमाल की और इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। आज के वीडियो में आपको ड्रामा से अफर की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड के बारे में नाज़रीन को रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा सीरियल फर की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि इर्शा की शादी कमाल साहब से तो हो गई है, इर्शा को जो कुछ चाहिए था उसकी ख्वाहिशात सब कुछ पूरा हो गया है, जिसके बाद इर्शा अपनी फ्रेंड्स को बुलाती है अपने घर पे और उनकी खूब आओ खातिर करती है। इर्शा की फ्रेंड उससे यही कहती है कि इर्शा तुम्हारे तो ख्वाब सच्चे हो गए हैं। इर्शा जब ये बात सुनती है तो अपने दोस्तों से यही कहेगी कि जितने मैंने झूठ बोले थे मुझे तो लगता है कि मेरे झूठ सच्चे हो गए हैं। यानी इर्शा बहुत ज़्यादा खुश है, जिसके बाद कमाल साहब की बहुत आओ खातिर कर रही है। कमाल साहब भी इर्शा को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि इर्शा उनके घर में इतनी ज़्यादा वो हो गई है, यानी आपस में घुल मिल गई है। ये सब कुछ देख के कमाल साहब को बहुत अच्छा लग रहा है, जिसके बाद इर्शा को इस तरह से देख के कमाल साहब खुश होते हैं। अंडरस्टैंडिंग भी हो गई है दोनों की, यानी इर्शा को जो चाहिए था वो मिल गया है और कमाल साहब को एक घर की जिम्मेदारी अच्छे तरीके से अदा करने वाली बीवी मिल गई है, जिसके बाद दोनों फैमिलीज बहुत अच्छे तरीके से खुश हैं दोनों एक दूसरे के साथ। लेकिन अचानक से इस ड्रामे में ट्विस्ट आया जाएगा जब जमशेद का एकदम एक्सीडेंट हो जाएगा और एक्सीडेंट की खबर जब इर्शा को पता चलेगी उसकी फ्रेंड के जरिए से, तो इर्शा एकदम हैरान परेशान सी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा परेशान होकर शॉकिंग में आ जाएगी और यही कहेगी अपनी फ्रेंड से कि जमशेद का एक्सीडेंट हो गया है, मुझे वहाँ हॉस्पिटल में जाना होगा। तो वहीं पर पीछे से कमाल साहब की बेटी भी सब कुछ सारी बातें सुन लेगी, जिसके बाद इर्शा जो है वो कमाल साहब से यही कहेगी कि मैं अपने अब्बू के घर जा रही हूँ। यानी इर्शा ने पहला झूठ बोल दिया है कमाल साहब से, जबकि इर्शा जब चली जाएगी जमशेद के एक्सीडेंट की खबर सुनने के बाद, जो कमाल साहब की बेटी है उसने तो पहले ही सुन लिया है कि इर्शा किसी लड़के के पास गई है उसके एक्सीडेंट की वजह से, जिसके बाद कमाल साहब की बेटी फोन करेगी अपने बाबा को और उनसे यही कहेगी कि छोटी मामा गई है, किसी लड़के का शायद एक्सीडेंट हुआ है, जिसके बाद कमाल साहब कहेंगे कि नहीं इर्शा तो अपने वालिद साहब के गई है, जिसके बाद कमाल साहब जो है वो वापसी पे इर्शा के वालिद के पास जाएंगे, उनके घर पे जाएंगे, लेकिन इर्शा वहाँ पर नहीं होती, जिसके बाद कमाल साहब बड़े टेंशन में आ जाएंगे, वो वापस घर पे आ जाएंगे। रात में जब इर्शा आएगी तो इर्शा बहुत ज़्यादा घबरा जाएगी, परेशान हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि उसको महसूस हो गया कमाल साहब उस पर शक करने लग गए हैं और इर्शा ने भी तो झूठ बोला था, जो झूठ बोलता है उसको तो पहले इस तरह से इर्शा को शुभ बात आ ही जाते हैं। इर्शा जब वापस आएगी तो कमाल साहब उसका इंतजार कर रहे होंगे। इर्शा जब देखे कमाल साहब को इतनी बेचैनी में इर्शा परेशान और घबरा जाएगी। तो नाज़रीन आपको क्या लगता है कमाल साहब का क्या रवैया होगा, क्या अंदाज होगा इर्शा के साथ इर्शा का झूठ बोलने पर? आपने अपनी कीमत का इजहार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, अगर आप हैं मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि मेरी हर नए आने वाली प्यारी सी वीडियो का सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सबने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे सी व्यूवर्स, दिल की खिलाइयों से वेलकम टू माय चैनल ड्रामा से अफर की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ही कमाल की और इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। आज के वीडियो में आपको ड्रामा से अफर की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड के बारे में नाज़रीन को रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा सीरियल फर की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि इर्शा की शादी कमाल साहब से तो हो गई है, इर्शा को जो कुछ चाहिए था उसकी ख्वाहिशात सब कुछ पूरा हो गया है, जिसके बाद इर्शा अपनी फ्रेंड्स को बुलाती है अपने घर पे और उनकी खूब आओ खातिर करती है। इर्शा की फ्रेंड उससे यही कहती है कि इर्शा तुम्हारे तो ख्वाब सच्चे हो गए हैं। इर्शा जब ये बात सुनती है तो अपने दोस्तों से यही कहेगी कि जितने मैंने झूठ बोले थे मुझे तो लगता है कि मेरे झूठ सच्चे हो गए हैं। यानी इर्शा बहुत ज़्यादा खुश है, जिसके बाद कमाल साहब की बहुत आओ खातिर कर रही है। कमाल साहब भी इर्शा को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि इर्शा उनके घर में इतनी ज़्यादा वो हो गई है, यानी आपस में घुल मिल गई है। ये सब कुछ देख के कमाल साहब को बहुत अच्छा लग रहा है, जिसके बाद इर्शा को इस तरह से देख के कमाल साहब खुश होते हैं। अंडरस्टैंडिंग भी हो गई है दोनों की, यानी इर्शा को जो चाहिए था वो मिल गया है और कमाल साहब को एक घर की जिम्मेदारी अच्छे तरीके से अदा करने वाली बीवी मिल गई है, जिसके बाद दोनों फैमिलीज बहुत अच्छे तरीके से खुश हैं दोनों एक दूसरे के साथ। लेकिन अचानक से इस ड्रामे में ट्विस्ट आया जाएगा जब जमशेद का एकदम एक्सीडेंट हो जाएगा और एक्सीडेंट की खबर जब इर्शा को पता चलेगी उसकी फ्रेंड के जरिए से,
तो ईर्ष्या एकदम हैरान परेशान सी हो जाएगी, बहुत ज्यादा परेशान होकर शॉकिंग में आ जाएगी और यही कहेगी अपनी फ्रेंड से कि जमशेद का एक्सीडेंट हो गया है, मुझे वहाँ हॉस्पिटल में जाना होगा। तो वहीं पर पीछे से कमाल साहब की बेटी भी सब कुछ सारी बातें सुन लेगी, जिसके बाद ईर्ष्या जो है वो कमाल साहब से यही कहेगी कि मैं अपने अब्बू के घर जा रही हूँ। यानी ईर्ष्या ने पहला झूठ बोल दिया है कमाल साहब से, जबकि ईर्ष्या जब चली जाएगी जमशेद के एक्सीडेंट की खबर सुनने के बाद, जो कमाल साहब की बेटी है उसने तो पहले ही सुन लिया है कि ईर्ष्या किसी लड़के के पास गई है उसके एक्सीडेंट की वजह से, जिसके बाद कमाल साहब की बेटी फोन करेगी अपने बाबा को और उनसे यही कहेगी कि छोटी मामा गई है, किसी लड़के का शायद एक्सीडेंट हुआ है, जिसके बाद कमाल साहब कहेंगे कि नहीं ईर्ष्या तो अपने वालिद साहब के गई है, जिसके बाद कमाल साहब जो है वो वापसी पे ईर्ष्या के वालिद के पास जाएंगे, उनके घर पे जाएंगे, लेकिन ईर्ष्या वहां पर नहीं होती, जिसके बाद कमाल साहब बड़े टेंशन में आ जाएंगे, वो वापस घर पे आ जाएंगे। रात में जब ईर्ष्या आएगी तो ईर्ष्या बहुत ज्यादा घबरा जाएगी, परेशान हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि उसको महसूस हो गया कमाल साहब उस पर शक करने लग गए हैं और ईर्ष्या ने भी तो झूठ बोला था, जो झूठ बोलता है उसको तो पहले इस तरह से ईर्ष्या को शुभ बात आ ही जाते हैं। ईर्ष्या जब वापस आएगी तो कमाल साहब उसका इंतजार कर रहे होंगे। ईर्ष्या जब देखे कमाल साहब को इतनी बेचैनी में, ईर्ष्या परेशान और घबरा जाएगी। तो नाज़रीन आपको क्या लगता है कमाल साहब का क्या रवैया होगा, क्या अंदाज होगा ईर्ष्या के साथ ईर्ष्या का झूठ बोलने पर, आपने अपनी कीमत रेट का इजहार कमेंट सेक्शन बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, अगर आप हैं मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि मेरी हर नए आने वाली प्यारी सी वीडियो का सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आप सबने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे सी व्यूअर्स, दिल की खिलाइयों से वेलकम टू माय चैनल ड्रामा से आप फर्क की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ही कमाल की इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। आज के वीडियो में आपको ड्रामा से फर्क की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड के बारे में नाज़रीन को रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा सीरियल फर्क की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि ईर्ष्या की शादी कमाल साहब से तो हो गई है, ईर्ष्या को जो कुछ चाहिए था उसकी ख्वाहिशात सब कुछ पूरा हो गया है, जिसके बाद ईर्ष्या अपनी फ्रेंड्स को बुलाती है अपने घर पे और उनकी खूब आओ खातिर करती है। ईर्ष्या की फ्रेंड उससे यही कहती है कि ईर्ष्या तुम्हारे तो ख्वाब सच्चे हो गए हैं। ईर्ष्या जब ये बात सुनती है तो अपने दोस्तों से यही कहेगी कि जितने मैंने झूठ बोले थे मुझे तो लगता है कि मेरे झूठ सच्चे हो गए हैं। यानी ईर्ष्या बहुत ज़्यादा खुश है, जिसके बाद कमाल साहब की बहुत आओ खातिर कर रही है। कमाल साहब भी ईर्ष्या को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि ईर्ष्या उनके घर में इतनी ज़्यादा वो हो गई है, यानी आपस में घुल मिल गई है, ये सब कुछ देख के कमाल साहब को बहुत अच्छा लग रहा है। जिसके बाद ईर्ष्या को इस तरह से देख के कमाल साहब खुश होते हैं, अंडरस्टैंडिंग भी हो गई है दोनों की, यानी ईर्ष्या को जो चाहिए था वो मिल गया है और कमाल साहब को एक घर की जिम्मेदारी अच्छे तरीके से अदा करने वाली बीवी मिल गई है, जिसके बाद दोनों फैमिलीज बहुत अच्छे तरीके से खुश हैं दोनों एक दूसरे के साथ। लेकिन अचानक से इस ड्रामे में ट्विस्ट आया जाएगा जब जमशेद का एकदम एक्सीडेंट हो जाएगा, और एक्सीडेंट की खबर जब ईर्ष्या को पता चलेगी उसकी फ्रेंड के जरिए से, तो ईर्ष्या एकदम हैरान परेशान सी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा परेशान होकर शॉकिंग में आ जाएगी और यही कहेगी अपनी फ्रेंड से कि जमशेद का एक्सीडेंट हो गया है, मुझे वहाँ हॉस्पिटल में जाना होगा। तो वहीं पर पीछे से कमाल साहब की बेटी भी सब कुछ सारी बातें सुन लेगी, जिसके बाद ईर्ष्या जो है वो कमाल साहब से यही कहेगी कि मैं अपने अब्बू के घर जा रही हूँ। यानी ईर्ष्या ने पहला झूठ बोल दिया है कमाल साहब से, जबकि ईर्ष्या जब चली जाएगी जमशेद के एक्सीडेंट की खबर सुनने के बाद, जो कमाल साहब की बेटी है उसने तो पहले ही सुन लिया है कि ईर्ष्या किसी लड़के के पास गई है उसके एक्सीडेंट की वजह से, जिसके बाद कमाल साहब की बेटी फोन करेगी अपने बाबा को और उनसे यही कहेगी कि छोटी मामा गई है, किसी लड़के का शायद एक्सीडेंट हुआ है, जिसके बाद कमाल साहब कहेंगे कि नहीं ईर्ष्या तो अपने वालिद साहब के गई है, जिसके बाद कमाल साहब जो है वो वापसी पे ईर्ष्या के वालिद के पास जाएंगे, उनके घर पे जाएंगे, लेकिन ईर्ष्या वहां पर नहीं होती, जिसके बाद कमाल साहब बड़े टेंशन में आ जाएंगे, वो वापस घर पे आ जाएंगे। रात में जब ईर्ष्या आएगी तो ईर्ष्या बहुत ज़्यादा घबरा जाएगी, परेशान हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि उसको महसूस हो गया कमाल साहब उस पर शक करने लग गए हैं और ईर्ष्या ने भी तो झूठ बोला था, जो झूठ बोलता है उसको तो पहले ही इस तरह से ईर्ष्या को शुभ बात आ ही जाते हैं। ईर्ष्या जब वापस आएगी तो कमाल साहब उसका इंतजार कर रहे होंगे। ईर्ष्या जब देखे कमाल साहब को इतनी बेचैनी में, ईर्ष्या परेशान और घबरा जाएगी। तो नाज़रीन आपको क्या लगता है कमाल साहब का क्या रवैया होगा, क्या अंदाज होगा ईर्ष्या के साथ,
ईर्ष्या का झूठ बोलने पर। आपने अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें। अगर आप हैं मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि मेरी हर नए आने वाली प्यारी सी वीडियो का सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में। आप सबने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे सी व्यूअर्स, दिल की खिलाइयों से वेलकम टू माय चैनल ड्रामा से फर की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ही कमाल की इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। आज के वीडियो में आपको ड्रामा से फर की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड के बारे में नाज़रीन को रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा सीरियल फर की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि ईर्ष्या की शादी कमाल साहब से तो हो गई है, ईर्ष्या को जो कुछ चाहिए था उसकी ख्वाहिशात सब कुछ पूरा हो गया है, जिसके बाद ईर्ष्या अपनी फ्रेंड्स को बुलाती है अपने घर पे और उनकी खूब आओ खातिर करती है। ईर्ष्या की फ्रेंड उससे यही कहती है कि ईर्ष्या तुम्हारे तो ख्वाब सच्चे हो गए हैं। ईर्ष्या जब ये बात सुनती है तो अपने दोस्तों से यही कहेगी कि जितने मैंने झूठ बोले थे मुझे तो लगता है कि मेरे झूठ सच्चे हो गए हैं। यानी ईर्ष्या बहुत ज़्यादा खुश है, जिसके बाद कमाल साहब की बहुत आओ खातिर कर रही है। कमाल साहब भी ईर्ष्या को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि ईर्ष्या उनके घर में इतनी ज़्यादा वो हो गई है, यानी आपस में घुल मिल गई है, ये सब कुछ देख के कमाल साहब को बहुत अच्छा लग रहा है। जिसके बाद ईर्ष्या को इस तरह से देख के कमाल साहब खुश होते हैं, अंडरस्टैंडिंग भी हो गई है दोनों की, यानी ईर्ष्या को जो चाहिए था वो मिल गया है और कमाल साहब को एक घर की जिम्मेदारी अच्छे तरीके से अदा करने वाली बीवी मिल गई है। जिसके बाद दोनों फैमिलीज बहुत अच्छे तरीके से खुश हैं दोनों एक दूसरे के साथ। लेकिन अचानक से इस ड्रामे में ट्विस्ट आया जाएगा जब जमशेद का एकदम एक्सीडेंट हो जाएगा, और एक्सीडेंट की खबर जब ईर्ष्या को पता चलेगी उसकी फ्रेंड के जरिए से, तो ईर्ष्या एकदम हैरान परेशान सी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा परेशान होकर शॉकिंग में आ जाएगी और यही कहेगी अपनी फ्रेंड से कि जमशेद का एक्सीडेंट हो गया है, मुझे वहाँ हॉस्पिटल में जाना होगा। तो वहीं पर पीछे से कमाल साहब की बेटी भी सब कुछ सारी बातें सुन लेगी, जिसके बाद ईर्ष्या जो है वो कमाल साहब से यही कहेगी कि मैं अपने अब्बू के घर जा रही हूँ। यानी ईर्ष्या ने पहला झूठ बोल दिया है कमाल साहब से, जबकि ईर्ष्या जब चली जाएगी जमशेद के एक्सीडेंट की खबर सुनने के बाद, जो कमाल साहब की बेटी है उसने तो पहले ही सुन लिया है कि ईर्ष्या किसी लड़के के पास गई है उसके एक्सीडेंट की वजह से। जिसके बाद कमाल साहब की बेटी फोन करेगी अपने बाबा को और उनसे यही कहेगी कि छोटी मामा गई है, किसी लड़के का शायद एक्सीडेंट हुआ है। जिसके बाद कमाल साहब कहेंगे कि नहीं, ईर्ष्या तो अपने वालिद साहब के गई है। जिसके बाद कमाल साहब जो है वो वापसी पे ईर्ष्या के वालिद के पास जाएंगे, उनके घर पे जाएंगे, लेकिन ईर्ष्या वहाँ पर नहीं होती। जिसके बाद कमाल साहब बड़े टेंशन में आ जाएंगे, वो वापस घर पे आ जाएंगे। रात में जब ईर्ष्या आएगी तो ईर्ष्या बहुत ज़्यादा घबरा जाएगी, परेशान हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि उसको महसूस हो गया कमाल साहब उस पर शक करने लग गए हैं और ईर्ष्या ने भी तो झूठ बोला था, जो झूठ बोलता है उसको तो पहले इस तरह से ईर्ष्या को शुभ बात आ ही जाते हैं। ईर्ष्या जब वापस आएगी तो कमाल साहब उसका इंतजार कर रहे होंगे। ईर्ष्या जब देखे कमाल साहब को इतनी बेचैनी में, ईर्ष्या परेशान और घबरा जाएगी। तो नाज़रीन आपको क्या लगता है कमाल साहब का क्या रवैया होगा, क्या अंदाज होगा ईर्ष्या के साथ ईर्ष्या का झूठ बोलने पर? आपने अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें। अगर आप हैं मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि मेरी हर नए आने वाली प्यारी सी वीडियो का सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में। आप सबने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।